दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का प्लानिंग कुछ इस तरह है। एक मशीन है हमारे पास येलो इम्पैक्टर, उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमने ये क्रेन और ये हायर किया है लो बेड। तो इस पर अभी वो उसको लोड करके फिर हम आपको मिलते हैं। तो जैसे ये लोड होता है फिर हमको मिलते हैं। जब तक के लिए आप इंजॉय करिए कि हम कैसे लोड करते हैं। शायद आज धूप है और यहाँ मेरे हाथ में अच्छे से नहीं दिख रहा है। शायद हवा भी बहुत चल रही है, आवाज़ भी आपको अच्छे से नहीं आती होगी। पर जैसा भी है अभी स्लोली स्लोली हम उसको इम्प्रूव करेंगे। जब तक आप जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। ऑलमोस्ट लोड होने वाला है। मशीन हो गया लोड और हम अभी जा रहे हैं उसकी डिलीवरी के लिए। तो दूसरे टाउन में जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट मेरे को 120 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा जाना और 120 किलोमीटर आना। तो समझ लो हो गया 240 किलोमीटर। तो बस देखो कितनी अच्छी रोड है यार। रोडों के बीच में जो गैप दिया वो देखो, दोनों रोडों के बीच में गैप कितना है, कितना अच्छा गैप छोड़ा है यहाँ पर देखो, एक नंबर। Gyaptanda mgani wami Gyaptanda mpifumo। कौन सी लाइन में घुसे हम? चलो इस ट्रक वाले के बीच चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं टोल गेट, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो फास्ट टैग वाला सिस्टम तो है नहीं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको देने पड़ेंगे 20 क्वाचा टोल गेट पे। दे दिया है 20 कोचा। ये भाई ये टोल गेट 20 कोचा दे दिया हमने, ये 20 कोचा। थैंक यू सो मच। ये हमने दे दिया है 20 कोचा, यहाँ पे हमारा टोल हो गया है क्लियर। फास्टैग वाला सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पे फास्टैग ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कैश ही पेमेंट करना पड़ता है टोल गेट पे। तो हमने कैश पेमेंट कर दिया, 20 क्वाचा लगा हमारा। तो बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, वैसे समझ लो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर और है, बस 10 किलोमीटर पहुँच गए हैं। दोस्तों देखो आपको मैं यहाँ का स्टेडियम दिखाता हूँ। ये है बहुत शानदार और बहुत बड़ा स्टेडियम।
ये फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल जैसे हमने ये वहाँ पे क्रिकेट को कैसे लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट के लिए सब कुछ मरते हैं, वैसे यहाँ पे यह फुटबॉल स्टेडियम है और यहाँ फुटबॉल खेलते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। तो यह है फुटबॉल स्टेडियम, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेडियम है, बनाया भी बड़ा प्यारा स्टेडियम है इसको। और ऐसे दिखे तो ये देखो सही दिख रहा है, ये देखो फुटबॉल स्टेडियम अंदर से बड़ा प्यारा है, आसपास आस का एरिया भी बहुत शानदार है, एक नंबर बड़ा प्यारा फुटबॉल स्टेडियम है। ये देखो इतना शानदार बड़ा स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पे होते हैं मैचेस कभी कभी, बहुत शानदार मैचेस होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के होते हैं मैच बहुत सारे। ये फुटबॉल स्टेडियम है, देखो। चलो दोस्तों, तो अभी ड्राइव कर लेते हैं, यानी जब पुलिस वाले मिलेंगे तो फिर मुझे भी धर लेंगे। तो हम पहुंच गए हैं जकारांडा मॉल, ये है जकारांडा मॉल पहुंच गए हैं। ये देखो पूरा एकदम जाम लगा हुआ है, पूरा यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। और हम पहुंच गए जकारांडा मॉल, ये है इसको बोलते हैं जकारांडा मॉल, ये है जकारांडा मॉल। मॉल इसमें सब कुछ है, खाने से लगा के शॉपिंग तक सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। तो ये हम पहुंच गए जकारांडा मॉल, हम पास हो रहे हैं, शायद वापस आते वक्त हम इसमें रुकेंगे रिटर्न आते वक्त। जकारांडा मॉल नेंडोज भी है, देखो नेंडोज जकारांडा मॉल। ट्रैफिक लगा हुआ, पूरा जाम लगा हुआ, धीरे धीरे चलना पड़ रहा, जाम लगा हुआ है। तो मशीन पहुँच गई है अपनी लोकेशन पर, और किसी कारणवश वो आज ऑफलोड नहीं हो पाई, पर वो पहुंच गई है अपने लोकेशन पे, वहाँ पे आज हमने उसको पार्क कर दिया है, कल सुबह उसको ऑफलोड करेंगे। और अब मैं देखो ये पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा खतरनाक जाम में फंसे हुए हैं, और शायद आज हमको यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारी मशीन ऑफलोड नहीं हुई, तो मशीन को ऑफलोड करके ही रुकना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा जाम क्लियर हुआ है, लगता है पीछे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, एक ट्रक वाला ने एक कार को कहीं ठोक दिया है, तो उसी चक्कर में ये सब जाम लग रहा था, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर आपको मैं झूम करके कैसे दिखाऊं, झूम करके दिखाऊंगा, ये देखो झूम करके देखेगा तो ये देखो ये यहाँ पे एक कार विंडो में दिख रहा है, साइड मिरर पीछे वो ट्रक खड़ी ना, उस ट्रक ने कहीं एक छोटे को किसी को ठोक दिया, इसलिए ये जाम लग रहा था। अभी तो हम चलो आ गए हैं, तो फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू सो मच।